व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ, तो किसी वर्कर की क्या कीमत है, तो वो हम इस सेक्शन में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो हुई, और किस तरीके से जो यूसी है उसकी लापरवाही के कारण और उसके कुछ पैसे बचाने के कारण क्या हुआ कि हजारों लोगों की जो जाने हैं वो दाव पे लग गई, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। तो इस सेक्शन में हम थोड़ा सा और जो है डिटेल में वर्कर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनके जो राइट्स हैं उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो मार्केट में नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, चाहे वो वर्कर्स हो। और इसके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे लॉज बनाए हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। So before we discuss our this section, let me just discuss a data here. I actually missed this in the earlier video. So according to 2011 census, over 4 million children in India aged between 5 and 14 work in various occupations including hazardous ones. So 2011 ke census ke according, census kya hota hai? Jan ganana. मतलब कि जब पूरे देश में जितने लोग रह रहे हैं उनका एक तरीके से डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है, कितने लोग रह रहे हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, क्या क्या वो जॉब कर रहे हैं, कितने लोग खेती कर रहे हैं, कितने लोग सर्विस सेक्टर में हैं, इस तरीके से आपके देश में जितने लोग रह रहे हैं उनके बारे में आप जो है सर्वे करते हो, उनके बारे में पता करते हो, तो वो चीज़ है सेंसस, राइट। तो 2011 का जो सेंसस था, और ये जो सेंसस है वो हर 10 साल में होता है, जो अभी 2021 का होने वाला था वो कोविड-19 की वजह से डिले हो गया, तो हमें आने वाले कुछ सालों में 2024 और 25 तक हमें जो 2021 वाला जो सेंसस होने वाला था उसका डेटा मिल जाएगा, तो तब तक के लिए हमें 2011 वाला ही यूज़ करना है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 4 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि 5 से लेकर 14 साल की उम्र के बीच के हैं, और ये लोग हजार्डस काम कर रहे हैं, मतलब कि ये लोग ऐसे जगहों पे एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे ऐसे जगहों पे काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, राइट। जैसे पटाखे बनाने की फैक्ट्री, पटाखे क्या होता है, बारूद का काम होता है, तो वहाँ क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को वो लोग एम्प्लॉय करके रखते हैं, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं। तो इस तरीके से जो 5 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चे हैं वो हजार्डस इंडस्ट्रीज में हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 4 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख, इसका मतलब 40 लाख जो बच्चे हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। और हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसने जो बाल मजदूरी है उसको बैन किया हुआ है, कि जो चाइल्ड लेबर है दैट इज इलीगल इन इंडिया, कि कोई भी अगर पर्सन, कोई भी एम्प्लॉयर किसी बच्चे को 14 साल से नीचे की उम्र के बच्चे को काम पे रखेगा तो उसके साथ जो है कार्रवाई होगी उसके खिलाफ, वो गलत होगा। बट हमें देखने मिला कि इन सब लॉज के बावजूद भी कितने सारे जो बच्चे हैं वो अभी भी जो है मजदूरी कर रहे हैं, वो अभी भी लोग उन्हें काम पे रख रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको ये बुक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी देखोगे, आप वो छोटे छोटे टी स्टॉल्स वगैरह होते हैं, होटल्स होते हैं, वहाँ पे आपको नॉर्मली बच्चे जो है वो काम करते हुए दिख जाएंगे। मतलब कि इतने सारे लॉज होने के बाद भी, इतने सारे कानून होने के बाद भी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, बट यूँ कहें कि चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई हैं तो वो नहीं हुई हैं। इन 2016 पार्लियामेंट अमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड ऑफ एडोलेसेंस 14 to 18 ईयर्स इन हजार्डस ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस। तो 2016 में जो पार्लियामेंट है उसने 1986 का जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज़ पे रोक लगाना, तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो था 1986 का, इसको अमेंड किया। अमेंड मतलब एक तरीके से उसमें चेंजेस लाए, और क्या बोला, कोई भी जो बच्चा है 14 साल से कम उम्र का वो किसी भी ऑक्यूपेशन में उसको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। पहले हम पढ़ रहे थे कि हजार्डस ऑक्यूपेशंस में उनको जो है अलाउड नहीं है, मतलब ये कोई ऐसा काम वो कर सकते हैं, इसमें हमने देखा था इंक्लूडिंग हजार्डस वंस, मतलब कि यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और एंगेज्ड इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। कि पहले ये होता था कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी हजार्डस काम को करने नहीं दिया जाएगा, मतलब कि अगर कोई छोटा मोटा ऐसा काम कर रहा है जिसमें कि उसको जान का खतरा नहीं है वहाँ पे तुम एम्प्लॉय कर सकते हो, बट जहाँ पे जान का खतरा है, जो बहुत ही खतरनाक, जो बहुत ही डेंजरस काम है, वो बच्चों से नहीं करवाओगे। पहले ऐसा था, बट 2016 में क्या कहा पार्लियामेंट ने कि अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो किसी भी तरीके के काम में एम्प्लॉय नहीं किए जाएंगे,
उस पर बैन लगाया जाएगा, और 14 से लेके 18 उम्र के जो बच्चे हैं उनको हजार्डस जो काम है वो नहीं करने दिया जाएगा। मतलब कि 14 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, 14 साल या उससे ऊपर के जो बच्चे हैं 18 साल तक, उनसे आप दूसरे काम करवा सकते हो बट हजार्डस काम नहीं करवा सकते। तो अभी क्या है सिचुएशन कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे, 14 साल से लेके 18 साल तक का नॉर्मल काम कर सकते हैं, उनसे आप छोटे मोटे काम करवा सकते हो बट हजार्डस काम नहीं करवा सकते। तो ये चेंज जो है वो लाया गया। इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब कि अब क्या हुआ कि जो कोई भी पर्सन अगर किसी बच्चे को, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी तरीके से उससे काम करवाएगा या फिर 14 से 18 साल के बच्चे से कोई खतरनाक काम करवाएगा, तो ऐसे केस में वो जो पर्सन है उसके खिलाफ क्या होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। मतलब कि उस पर्सन ने बहुत ही सीरियस ऑफेंस किया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब बहुत ही सीरियस है जो ऑफेंस नेचर में, और ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें कि जो पुलिस है वो बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकती है। राइट, सो एनीवन फाउंड वायलेटिंग द बैन मस्ट बी पेनलाइज्ड विद अ पनिशमेंट रेंजिंग फ्रॉम अ जेल टर्म ऑफ 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स एंड और फाइन ऑफ 20,000 to 50,000। और अगर कोई भी पर्सन इस जो बैन है, जो बाल मजदूरी पे रोक लगाई गई है, जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो चलता नहीं दिखाई देगा, तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है, उसको पनिशमेंट मिल सकती है। पनिशमेंट कितनी, उसको 6 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक, मतलब कि 6 महीने से लेके 2 साल तक की उसको जेल हो सकती है, या फिर उसको 20,000 से लेके 50,000 का जो है फाइन हो सकता है, या फिर उसको दोनों ही हो सकता है कि आपको जेल भी होगी और आप पे फाइन भी लगेगा। तो इनमें से एक चीज भी हो सकती है, 6 महीने से 2 साल तक का आपको जेल, या फिर 20,000 से लेके 50,000 का फाइन, या फिर दोनों ही उस पर्सन के साथ जो है उसको पनिशमेंट के तौर पे दिया जा सकता है। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप प्लान्स टू रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेट चिल्ड्रन हु आर वर्किंग। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको ये बोला है कि आप प्लान्स जो हैं डेवलप करो ताकि जो कहीं ऐसे बच्चे दिख रहे हैं जो कि मजदूरी कर रहे हैं उनको आप बचा सको, उनको रेस्क्यू कर सको, उनको वहाँ के जो काम कर रहे हैं वहाँ से हटा सको और उनको रिहैबिलिटेट करो, मतलब कि उन्हें दूसरी जगह पे जाके उनको रखो और उनके जो एजुकेशन वगैरह है उस पर ध्यान दो। तो ऐसा प्लान जो है वो डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। और इस चीज़ को और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी निकाला है, आप देख सकते हो, pencil.gov.in। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि नो चाइल्ड लेबर को जो है वो इनकरेज किया जा रहा है। यहाँ पे नो चाइल्ड लेबर के लिए अगर आपको कंप्लेन फाइल करनी है, कोई कहीं पे आपको बच्चा काम करता हुआ दिख रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेन करनी है, चाइल्ड ट्रैकिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है, जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बच्चों को ट्रैक करने के लिए, तो इन सब के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो लाया गया है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसे क्या कह रहे हैं, पेंसिल, मतलब कि प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। राइट, तो इस चीज से रिलेटेड जो है ये प्लेटफॉर्म लाया गया है ताकि जो बाल मजदूरी है उसको कम किया जा सके। तो जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स तो ले रही है, बट हाँ हमें भी इन चीजों पे और ध्यान देना होगा, हमें भी एक अवेयर सिटीजन के तौर पे काम करना होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आर सेक्शन दैट वाज व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ, कि एक जो वर्कर है, जो मजदूर है या कोई भी जो पर्सन काम कर रहा है उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या वर्थ है। इफ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स लीडिंग टू भोपाल डिजास्टर वी हैव टू आस्क व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड सेट अप इट्स प्लांट इन इंडिया। अगर हमें ये समझना है पूरा जो इंसिडेंट हुआ, पूरा ये जो खतरनाक एक्सीडेंट हुआ या यूं कहें मर्डर हुआ इतने सारे लोगों का इतने बड़े लेवल पर, जिस पूरे इवेंट की वजह से भोपाल जो डिजास्टर है वो हुआ, अगर हमें इसको समझना है तो हमें एक सवाल पूछना होगा कि आखिरकार ये जो यूनियन कार्बाइड है, यूसी है, उसने इंडिया में ही प्लांट क्यों लगाया। हम यू भी तो सोच सकते हैं कि अगर यूसी प्लांट लगाती ही नहीं तो गैस लीक होती ही नहीं, अगर गैस लीक नहीं होती तो इतने सारे लोगों की जान नहीं जाती, तो आखिरकार यूनियन कार्बाइड ने वहां पे इंडिया में प्लांट लगाया क्यों। वन रीजन वाई फॉरिन कंपनीज कम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर। अब इतनी सारी जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं उनमें उनके आने में बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये है कि यहाँ पे चीप लेबर है, मतलब कि यहाँ पे जो लेबर है वो बहुत ही सस्ता है। अब आप बोलोगे कि हमारे यहाँ सस्ता लेबर क्यों है, क्यों जो लोग हैं वो कम वेजेस पे काम करने को तैयार हो जाते हैं। चीप लेबर का मतलब क्या कि आपको लेबर्स को बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना है, वो कम पैसे में भी आपके लिए काम कर देंगे। तो ऐसा क्यों है,
क्योंकि देखो इंडिया में वैसे ही बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलेशन है, इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जल्द ही वो चाइना को भी पास करके फर्स्ट जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने वाला है। तो इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, अब इतनी पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। इंडिया तो छोटी सी कंट्री है, मतलब कि आप अमेरिका, कनाडा और जो बड़े बड़े देश हैं उनके मुकाबले देखो तो इंडिया के पास जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रिसोर्सेस कम हैं। अब रिसोर्सेस कम होंगे तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, लोगों के पास इतना काम नहीं होगा। अब जब लोगों के पास इतना काम नहीं है तो वो क्या कहेंगे कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं, हम तुम हमें थोड़ा सा ही पैसा दे दो, हम कम पैसे पे भी काम करने को तैयार हैं, हमें तो काम चाहिए, राइट। तो एक जो कारण है वो ये भी है कि यहाँ पे जो चीप लेबर है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। वेजेस दैट द कंपनीज पे टू वर्कर्स से इन द यूएसए आर फार हायर देन व्हाट दे हैव टू पे टू वर्कर्स इन पुअरर कंट्रीज लाइक इंडिया। अब जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, जो फॉरेन कंट्री कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, अब उनके खुद की कंट्रीज में क्या होता है कि जो वो वर्कर्स को पे करते हैं, जैसे यूएसए वगैरह में वो जो वर्कर्स को वहां पे करेंगे उन्हें बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब इंडिया में मान लो उन्हें अगर 10 रुपए वर्कर को देना है तो वहां पे उन्हें 100 रुपए देना पड़ेगा या 1,000 रुपए उन्हें देना पड़ेगा वर्कर्स को। तो इस वजह से क्या होता है कि इतना ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे जो वर्कर हैं उन्हें सस्ते मिल जाते हैं पुअर कंट्रीज में, जो थोड़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अभी पुअर कंट्रीज हैं, वैसी कंट्रीज में आपको देखने मिलेगा कि जो वेजेस हैं वो बहुत ही कम होती हैं, जो वर्कर्स हैं वो सस्ते में ही काम कर लेते हैं। और लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, और यहाँ पे उन्हें आके फायदा क्या हो रहा है कि कम पैसा दे के उन्हें ज्यादा लंबे घंटों तक, ज्यादा घंटों तक वो काम करवा लेती हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स आर ऑल्सो फ्यूअर। अब ऐसे कंट्रीज में जैसे यूएसए वगैरह में जाओ तो वहां पे तो जो वर्कर्स हैं वो ये डिमांड करेगा कि पहली बात तो हमें पैसा अच्छा दो, दूसरा हमारी जो फैसिलिटीज हैं, हमारे रहने का खर्चा, हमारे खाने पीने का खर्चा, इसका भी तुम ध्यान रखो, तो वो इस तरीके की डिमांड कर सकते हैं। बट इंडिया में देखोगे तो इस तरीके की फैसिलिटीज पे ये लोग ध्यान नहीं देते। ये लोग अपनी कंपनीज तो इंडिया में ले आते हैं, वर्कर्स से सस्ते में काम भी कराते हैं, और उनके जो फैसिलिटीज वगैरह हैं उनके बारे में ये लोग इतना नहीं सोचते। जो एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि जो वर्कर्स हैं उनके हाउसिंग फैसिलिटीज हो गई, उनके रहने का खर्चा, उनके खाने पीने का ध्यान, तो ये जो कंपनीज हैं वो नहीं रखती, बहुत ही मुश्किल से रखती हैं। दस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट, और इस तरीके से जो कंपनियां हैं वो बहुत ही सस्ते में बहुत ज्यादा काम करवा लेती हैं और अपने जो कॉस्ट है उसको सेव कर लेती हैं, पैसा बचा लेती हैं, और इससे वो और ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स। अब ये तो हमने देखा कि एक जो तरीका है जिससे कि जो कंपनीज हैं वो पैसा बचाने की कोशिश कर रही हैं इज बाय रिड्यूसिंग द वेजेस ऑफ द वर्कर्स। देखो एक और चीज है कि एक तो जो कंपनीज हैं वही पैसा कम करके दे रही हैं कि मान लो जो वर्कर है उसकी वेज बन रही है 100 रुपए, और जो कंपनीज हैं वो कॉस्ट करने के लिए, कट करने के लिए उनको कितना दे रही हैं, सिर्फ 50 रुपए, कि लीगली उनका कितना बनता है 100 रुपए, राइट। और वो इस 100 रुपए में से भी कट करके वो कितना दे रही हैं कि नहीं हम सिर्फ 50 देंगे, तो ये काम जो है वो इनलीगल है, राइट। बट अभी देखो हम दूसरी कंट्रीज के मुकाबले अगर देखें, जो हमारा मिनिमम अमाउंट बनता भी है, जो लीगल अमाउंट भी है 100 रुपए, ये भी दूसरे कंट्रीज से काफी कम है कि उनको वहां पे 1,000 रुपए देना पड़ेगा अपने वर्कर्स को, और हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो कंपनीज हैं दूसरे कंट्रीज से आती हैं उनको बहुत ही सस्ते में ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अब एक तरीका तो ये हुआ कि ये लोग वेजेस कम वेजेस पे ज्यादा काम करवा के कॉस्ट को कट कर रहे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि बहुत डेंजरस हैं जिसके थ्रू ये लोग कॉस्ट कट करने की कोशिश करते हैं। लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वेज ऑफ कटिंग कॉस्ट। जैसे कि ये लोग अपनी कॉस्ट कट करने के चक्कर में जो वर्किंग कंडीशंस हैं उन पे ध्यान ही नहीं देते, जो फैसिलिटीज, जो सेफ्टी मेजर्स काम करने के लिए चाहिए उनको ये लोग प्रोवाइड ही नहीं कराते, कि जो पर्सन है उसको बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में काम करना पड़ता है। ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे कि काम करना हद से ज्यादा मुश्किल है, बट वहाँ पे वो लोग काम करवा रहे हैं, और ऐसी कंडीशंस को वो सुधार सकते हैं कुछ पैसा लगा के। थोड़ी सी बेटर कंडीशंस करने के लिए उन्हें पैसा लगाना पड़ेगा, बट वो लोग पैसा नहीं लगाते, वो लोग कंडीशंस को बेटर नहीं करते ताकि वो अपनी कॉस्ट को बचा सकें। वो लोग सेफ्टी के बारे में नहीं सोचते, जैसे कि मैंने आपको फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जांपल दिया था, फायर सेफ्टी का, कि बिल्डिंग में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फायर सेफ्टी का जो पूरा इंतजाम है वो करके रखो। बट कंपनीज क्या करती हैं, अपनी कुछ पैसे बचाने के लिए वो सेफ्टी मेजर्स को नहीं फॉलो करती, वो जो पूरा सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए आपके बिल्डिंग में उसको नहीं लगवाती। तो इस तरीके से जो सेफ्टी मेजर्स हैं
वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करती हैं, और इसके थ्रू वो पैसा बचाने का जो है कोशिश कर रही हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये चीजें कितनी ज्यादा डेंजरस है। अगर थोड़ी भी लापरवाही होगी, मान लो कोई थोड़ी बहुत, इतनी बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लाखों हजारों लोग काम कर रहे हैं, और उसमें अगर कोई भी थोड़ी सी आग लग गई, कुछ अगेन जैसे गैस लीक हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो फिर आप कैसे करोगे? सारे लोग जो है उनकी जान खतरे में पहुंच जाएगी, जबकि आप थोड़ा सा पैसा लगा के सेफ्टी मेजर्स कर सकते थे और इतने सारे लोगों की जान बच सकती थी। तो ये जो कंपनीज हैं वो सेफ्टी मेजर्स को, लोगों के जानों को दाव पे रख के अपना कुछ जो पैसा है वो बचाने की कोशिश करती हैं। इन द यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉज माल फंक्शनिंग और वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। अब यूसी के केस में देखें तो हर एक जो सेफ्टी डिवाइस थी वो माल फंक्शनिंग थी, मतलब कि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही थी। जो थोड़ी बहुत उन लोगों ने सेफ्टी डिवाइस रखी थी वो भी खराब थी, काम नहीं कर रही थी, और उतनी मात्रा में नहीं थी जितनी की चाहिए थी, ठीक है, शॉर्ट सप्लाई में थी। बिटवीन 1980 एंड 1984 वर्क क्रू फॉर MIC प्लांट वॉज कट इन हाफ फ्रॉम 12 to 6 वर्कर्स। तो 1980 से लेकर 1984 के बीच में ये यूसी ने क्या किया, जो वर्कर्स चाहिए थे उनको 12 से लेकर 6 तक कम कर दिया। मतलब कि पहले उस काम को करने के लिए 12 लोग चाहिए थे, अब 12 लोगों को हटा के सिर्फ और सिर्फ 6 वर्कर्स को रखा। मतलब देखो, अगर कोई काम 12 लोग जो है वो डिमांड करता है कि इस काम को करने के लिए 12 लोग चाहिए होंगे सही से, तो क्या होगा कि वो काम थोड़े ढंग से हो पाएगा। बट अगर आप कम करके कह दो कि नहीं, इस काम को सिर्फ और सिर्फ 6 लोग करेंगे, तो सोचो उन 6 लोगों पे कितना ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा, उन 6 लोगों की क्या हालत हो जाएगी। मान लो बहुत भारी जो है कोई बक्सा उठाना है, और उस बक्से को उठाने के लिए 6 लोग चाहिए, राइट, अब या 12 लोग चाहिए, राइट, उस बक्से को उठाने के लिए 12 लोग चाहिए, वो बहुत भारी बक्सा है, 12 लोग भी उसे सही से उठा पाएंगे। बट कंपनी वाले क्या कह रहे हैं कि नहीं, आप 12 लोग मत उठाओ, सिर्फ 6 लोग उठाओ, हमें जो बाकी 6 हैं उनकी जरूरत नहीं है। तो उन 6 लोगों के ऊपर कितना ज्यादा बोझ होगा, उन लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा उस भारी बक्से को उठाना, राइट। तो इसी तरीके से ये लोग क्या किए हैं, जो MIC प्लांट था, मतलब कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट का प्लांट था, उसमें इन लोगों ने क्या किया, यूसी ने 12 मजदूरों से हटा के 6 ही मजदूरों को रखा, 6 ही वर्कर्स को रखा काम पे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो 6 वर्कर्स हैं उनकी जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी, इनकी जो इनके ऊपर जो बर्डन है वो और ज्यादा हो जाएगा। और ये लोग क्यों कर रहे हैं, जो यूसी है उसने 12 से 6 वर्कर क्यों किए, ताकि वो अपनी कॉस्ट बचा पाए। अब उसको 6 वर्कर्स की जो वेजेस हैं वो नहीं देनी पड़ रही। पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6 months to 15 days, और जो सेफ्टी ट्रेनिंग होती थी वर्कर्स की उसको यूसी ने 6 महीने से लेके 15 दिन में कम कर दिया। 6 महीने से लाके कितना कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। कि पहले जो वर्कर्स हैं अगर उन्हें यूसी में सही से काम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, सेफ्टी ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, और वो जो सेफ्टी ट्रेनिंग थी वो कितने की होती थी, प्रॉपर 6 महीने उस सेफ्टी ट्रेनिंग को लगते थे। कि अगर आपको सही से सारी चीजें सीखनी है, सेफ्टी मेजर्स सारे सीखने हैं, तो उसके लिए 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी। बट यूसी ने कॉस्ट बचाने के लिए क्या किया, 6 महीने से सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग दी, कि 15 दिन की ट्रेनिंग आपके लिए बहुत है, सेफ्टी मेजर्स की जो सेफ्टी ट्रेनिंग है वो होगी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की। तो इस तरीके से जो यूसी है उसने अपने पैसे बचाने की कोशिश की, क्योंकि उसे वर्कर्स को 6 महीने तक जो है ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 15 दिन में ट्रेनिंग दो और उन्हें काम पे लगाओ। द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्क फॉर MIC प्लांट वॉज अबॉलिश्ड। साथ ही साथ जो MIC में नाइट शिफ्ट के लिए वर्कर्स होते थे, कि रात को भी कोई चाहिए देखने के लिए कि प्लांट में अगेन कोई लीकेज वगैरह ना हो जाए या कुछ खराब ना हो जाए, तो नाइट शिफ्ट के लिए जो वर्कर्स होते थे उनकी पोस्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, कि वो लोग रात में कोई भी जो वर्कर है वो नहीं रहेगा, या फिर यूँ कहें बहुत ज्यादा कम कर दिया, जो नाइट शिफ्ट के लिए वर्कर्स थे उनको उन्होंने नहीं रखा। रीड द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन यूसी सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इट्स अदर प्लांट इन US। तो हम नीचे समझेंगे कि किस तरीके से जो यूसी है उसने भोपाल में किस तरीके का सेफ्टी सिस्टम रखा हुआ था, और जो उसके प्लांट थे US में उनका क्या सेफ्टी सिस्टम था। तो हम दोनों को ही कंपेयर करके देखेंगे। एट वेस्ट वर्जीनिया USA कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वर इन प्लेस, वेयर एज द यूसी प्लांट इन भोपाल रिलाइड ऑन मैनुअल गॉजेस एंड द ह्यूमन सेंसेस टू डिटेक्ट गैस लीक्स। वेस्ट वर्जीनिया जो कि USA में है, यहाँ पे जो यूसी है उसका दूसरा प्लांट था, राइट। अब इसमें क्या है, पूरे कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम है, कि जो मशीनें हैं वो लगी हुई हैं ये देखने के लिए कि अगर कोई गैस लीक हो जाए तो लोगों को अलर्ट कर दिया जाए, राइट। वहीं अगर भोपाल में देखें तो भोपाल में इस तरीके का कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, वार्निंग सिस्टम नहीं था। यहाँ पे लोग जो है वो मैनुअल गॉजेस पे डिपेंड करते थे, जो मैनुअल ह्यूमन सेंसेस हैं, कि इंसान जो है वो बस इंसानों पे ही डिपेंड था, कि अगर इंसानों को स्मेल आ जाएगी पता चल जाएगा,
तो ही पता चलेगा कि गैस लीक हो रही है या नहीं, इस तरीके का कुछ गलत हो रहा है या नहीं, अदरवाइज किसी को नहीं पता चलेगा। मतलब कि कोई मशीन वाला सिस्टम नहीं था, कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, सब मैनुअल ही था कि अगर इंसान ने पता लगा लिया तो ठीक है, और नहीं तो फिर कुछ नहीं पता चलेगा। फिर तो जब पूरा काम खराब हो जाएगा तभी सबको पता चलेगा। तो इस तरह का सिस्टम भोपाल में है। तो आप देख सकते हो कि सेम कंपनी है, सेम यूसी ही है, सेम काम कर रही है। यूएसए में भी सेम काम है, सेम चीज का प्लांट है, इंडिया में भी सेम चीज का प्लांट है, बट यूएसए में वो प्रॉपर जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो कर रही है। कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम है कि अगर कुछ हो जाए तो लोगों को पहले ही वार्निंग मिल जाए और लोग जो है वो अपनी जान बचा सके। बट भोपाल में ऐसा कुछ नहीं। एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट एमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स वर इन प्लेस बट नॉन एग्जिस्टेंट इन भोपाल। ऐसे ही जो वेस्ट वर्जीनिया वाला प्लांट है वहां पे इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स था। मतलब कि मान लो कुछ ऐसा हो जाए जिसमें कि लोगों को इमरजेंसी में आपको निकालना पड़ेगा, तो उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ था कि अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो इमरजेंसी में इवैक्यूएट कैसे करोगे, लोगों को बाहर कैसे निकालोगे। वो पूरा प्लान वर्जीनिया में था, बट भोपाल में इस तरीके का कोई प्लान नहीं था। कोई जैसे इमरजेंसी एग्जिट होती है ना, प्लेन्स वगैरह में भी होती है, तो उसमें क्या है कि अगर कुछ इमरजेंसी हो, आग वगैरह लग जाए, तो किस तरीके से आप लोगों की जान को बचाओगे, इस तरीके का सिस्टम भोपाल में नहीं था। Why are there such sharp differences in safety standards across country? अब हम बोलेंगे कि भाई सेम कंपनी है बट वर्जीनिया में पूरे प्रॉपर जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो कर रही है, और इंडिया में कुछ मतलब नहीं है, लोगों की जान का की कोई परवाह नहीं है, कोई जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे। तो ऐसा क्यों, क्यों इतने सारे जो डिफरेंसेस हैं हमें देखने मिल रहे हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में? एंड इवन आफ्टर द डिजास्टर हैपेंड व्हाई वाज द कंपनसेशन टू द विक्टिम्स सो लो? और जब ये डिजास्टर हो भी गया उसके बाद भी जो कंपनसेशन है वो इतनी कम क्यों दी गई? जो लोग हैं वो $3 बिलियन डिमांड कर रहे थे बट उनको दिया कितना, सिर्फ और सिर्फ $470 मिलियन। तो इतना कम कंपनसेशन क्यों दिया गया? वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन व्हाट इज परसीव्ड एज द वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर। तो एक जो आंसर है इस चीज का कि क्यों इतना ज्यादा डिफरेंसेस हैं स्टैंडर्ड्स में, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में, और क्यों कंपनसेशन इतनी ज्यादा लो दी गई, उसका एक आंसर तो ये है कि जो इंडियन वर्कर है उसकी जो वर्थ है, उसकी जो कीमत है, उसको किस तरीके से परसीव किया जाता है, किस तरीके से समझा जाता है कि इंडियन जो वर्कर है उसकी कीमत बहुत कम मानते हैं ये लोग, कि इंडियन जो वर्कर है उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं है, ये लोग क्या ही मतलब इनका, मतलब कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वन वर्कर कैन इजीली रिप्लेस अनदर, ये लोग क्या सोचते हैं कि एक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, हमें क्या लेना देना। मतलब कि जो इंडियन वर्कर है उसकी कोई कीमत नहीं है, अगर एक जाएगा इनके लिए तो दूसरा आराम से आ जाएगा, इनको कोई टेंशन नहीं है। सिंस देर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट देर आर मेनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशंस इन रिटर्न फॉर अ वेज। अब क्योंकि इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसकी वजह से क्या है कि जो वर्कर्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो कि अनसेफ कंडीशंस में भी काम करने को तैयार हैं, तो इसलिए जो कंपनीज हैं वो इंडियन वर्कर्स की कीमत को समझती नहीं है, वो उन्हें यूं ही लेती हैं, फॉर ग्रांटेड लेती हैं कि ठीक है अगर एक की जान जाएगी तो हम दूसरे को रख लेंगे, अगर एक काम नहीं करेगा तो ऐसे हजारों खड़े हैं जो कि इन अनसेफ कंडीशंस में काम कर लेंगे, हमें क्या टेंशन। मेकिंग यूज ऑफ द वर्कर्स वल्नरेबिलिटी एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेस। अब इस मजबूरी को जो है फायदा उठाते हैं ये लोग, जो कंपनीज हैं वो इस मजबूरी का फायदा उठाती हैं, उनकी ये मजबूरी है कि वो कम दाम पे भी काम कर रहे हैं या अनसेफ कंडीशंस में भी काम कर रहे हैं, तो वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम वर्कर्स को पूरी सेफ्टी मेजर्स नहीं भी प्रोवाइड कराएंगे तो भी ये लोग हमारे लिए काम करेंगे। तो ये सबको देखते हुए वो लोग क्या करते हैं, वो वर्क प्लेस पे जो काम करने की जगहें हैं वहां पे उनकी सेफ्टी को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। दस इवन सो मैनी ईयर्स आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी देर आर रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स इन कंस्ट्रक्शन साइट्स, माइंस और फैक्ट्रीज ड्यू टू द केयरलेस एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर्स। अब इतने साल हो गए हैं, लगभग 35 साल जो हैं वो भोपाल गैस ट्रेजेडी को हो चुके हैं, और इससे हमें बहुत कुछ सीख लेना चाहिए था, बट फिर भी आज तक हमें ये देखने मिलता है कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई, माइंस, फैक्ट्रीज, इस तरीके की जो जगहें हैं, जो वर्क प्लेसेस हैं, वहां से हमें एक्सीडेंट्स के जो न्यूज़ हैं वो सुनने मिल जाती हैं। मतलब कि हमें कहीं ये देखने मिल रहा है कि इतने सारे जो वर्कर्स हैं उनकी माइन में काम करते करते जो है डेथ हो गई, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ माल फंक्शन हो गया उसकी वजह से किसी वर्कर की डेथ हो गई। मतलब कि इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के इतने सालों बाद भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, आज भी जो कंपनीज हैं वो सेफ्टी मेजर्स को ध्यान नहीं रख रही हैं और बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनकी जान जा रही है।
तो इस सेक्शन में हमने देखा कि वैसे तो वर्कर जो है वो किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कंपनी खड़ी कर दी, आपने फैक्ट्री खड़ी कर दी, फैक्ट्री में मशीन ला दी, बट उन मशीनों को ऑपरेट तो कोई वर्कर ही करेगा, कोई एम्प्लॉयर ही करेगा, एम्प्लॉय ही करेगा, मतलब कोई इंसान ही काम करेगा। बट अगर आप उन एम्प्लॉयज के, उन वर्कर्स के कंडीशन, सेफ्टी जो मेजर्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखोगे, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको बेटर नहीं करोगे, सेफ नहीं करोगे, तब तक जो है इसी तरीके से जो हजारों लोग हैं उनकी जान जाती रहेगी। आपको उनकी कीमत समझनी होगी, जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ भी मैटर करती है, हर एक की जो लाइफ है वो इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो जो लॉज, जो सेफ्टी मेजर्स बनाए हुए हैं उनको इन कंपनीज को फॉलो करना होगा, और गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना होगा कि वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस करे, वो ये देखे कि सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सही से पूरे हो रहे हैं नहीं। और कुछ जो है करप्ट ऑफिसर्स होते हैं वो चेक करने तो जाते हैं बिल्डिंग्स में, जो उन्हें चेक करना है वो इंस्पेक्शन करने के लिए तो जाते हैं, और उन्हें ये दिख भी रहा होता है कि सेफ्टी मेजर्स पूरे नहीं हैं, बट वो क्या करते हैं, वो घूस लेके साइन कर देते हैं कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे हैं, सही से फॉलो हो रखे हैं, इस तरीके से वो साइन कर देते हैं कि जी सब सही है, जबकि नहीं होता है। तो इस तरीके के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो इस तरीके से लाखों लोगों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं, राइट? सो जो करप्शन है वो कम होना चाहिए, जो गवर्नमेंट है उसको और ज्यादा अलर्ट होके इन चीजों पे काम करना चाहिए।